लगते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संवाद का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको mygovernment.gov.in में आपकी एक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका एक अकाउंट पहले से होना जरूरी है। यदि आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप mygovernment.gov पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, जिससे कि आप परीक्षा पे चर्चा 2023 के कार्यक्रम में भाग ले पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पे टाइप करनी है। तो आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको गूगल पर सर्च करनी है इस प्रकार से, परीक्षा पे चर्चा 2023, फिर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है https://innovateindia.meri-sarkar.bharat, इसी वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है, तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए आपका एक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, वो भी mygovernment.gov.in के वेबसाइट पर। यदि आपका अकाउंट पहले से क्रिएट नहीं है तो चलिए हम आपको बता दें किस प्रकार से आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करें, देखिए आपको टॉप में दिखाई पड़ रहा है लॉग इन करें, तो आपको ये लॉग इन करें पे ही क्लिक करना है। जैसे ही लॉग इन करें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, कॉन्टेक्टिंग माई गवर्नमेंट प्लीज वेट। तो आपको कुछ देर वेट करनी है। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, लिखाई पड़ रही है कि अपने माई गवर्नमेंट खाते में लॉगिन कर। यदि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के जरिए आपको लॉगिन कर लेनी है, या फिर आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपने जो पासवर्ड क्रिएट हुआ किया हुआ है उसको फिल करने के बाद आप पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका अकाउंट माई गवर्नमेंट पे नहीं है तो चलिए हम आपको आगे बता रहे हैं किस प्रकार से आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पर स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि माई गवर्नमेंट खाते के साथ पंजीकृत नहीं है, अभी पंजीयन करें, अभी रजिस्टर करें। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। अब यहां पे देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है कि माय गवर्नमेंट अकाउंट बनाए, क्या आपका पहले से ही खाता है, यानी कि आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो यहां पे आपको अकाउंट बनानी है। कुछ आपको बेसिक जानकारी फिल कर लेनी है, फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि यहां पे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहां पे कहा जा रहा है कि अपने ईमेल या फिर मोबाइल के साथ पंजीकरण करें। तो यहां पे आपको अपना पूरा नाम फिल कर देना है, यहाँ पे आपका अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्टेड है, उसके बाद यहाँ पे आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिल कर देनी है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ हमें दिनांक ड्राप डाउन से चयन कर लेनी है, यहाँ पे आपको मंथ चयन कर लेनी है, यहाँ पे आपको ईयर चयन कर लेनी है, उसके बाद यहाँ ड्राप डाउन से आपको लिंक चयन कर लेना है। लिंक चयन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है नया खाता बनाए, तो आपको ये नया खाता बनाए पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नया खाता बनाए पे क्लिक करेंगे तो आपका माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपकी आईडी बन जाएगी। जैसे ही आपकी आईडी बन जाती है तो आप परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद ही आपको परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से संबंधित एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, आपको शुरू से अंत तक आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, किस प्रकार से आप लॉगिन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद पुनः आपको परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के होम पेज पर चले जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जिसका आपको अध्ययन कर लेना है। यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कुछ बेसिक जानकारी, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता 2023 में आपका स्वागत है और इसकी जो अंतिम तारीख है वह है आपका 30 दिसंबर 2022। साथ ही यहां पर पुरस्कार भी है कि माई गवर्नमेंट पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयनित लगभग 2050 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीपीसी किट भेंट किए जाएंगे। तो यहां पर देखिए,
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं छात्र जो कक्षा 9वीं से 12वीं में वर्तमान में अध्ययनरत है, उनके माता पिता और साथ ही कक्षा 1ली से लेकर के 12वीं तक अध्ययन अध्यापन कराने वाले शिक्षक साथीगण। तो यहाँ पर देखिए पीसीसी पुरस्कार के बारे में आपको यह बेसिक जानकारी दी गई है, साथ ही यहाँ पर आपको विषय भी दिया गया है कि छात्र किस विषय पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शिक्षक किस विषय पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ ही अभिभावक के लिए भी यहाँ पर विषय दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जैसे छात्रों के लिए भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों के लिए जो विषय दिए गए हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ पर छात्रों के लिए टॉपिक दिया गया इसी टॉपिक पर जो उसी प्रकार से शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर विषय दिए गए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शिक्षकों के लिए जो भी विषय हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए शिक्षकों के लिए भी विषय दिए गए हैं। उसके बाद जैसे ही आप अभिभावकों के लिए पे क्लिक करेंगे तो जो पेरेंट्स हैं माता पिता है अभिभावक है उनके लिए क्या क्या विषय पे वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर उसके विषय यहाँ पर दिए गए हैं इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर छात्रों के लिए दिशा निर्देश दिए गए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, इस इंस्ट्रक्शन का आपको फॉलो करना अनिवार्य है। उसके बाद शिक्षक लॉगिन के माध्यम से छात्रों की भागीदारी के लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसको आपको अध्ययन कर लेनी है, अध्ययन करने के बाद ही आपको जानकारी सबमिट करनी है ताकि किसी प्रकार कोई गलती ना हो, किसी प्रकार कोई त्रुटि ना हो। साथ ही यहाँ पर माता पिता और शिक्षकों के लिए भी गाइडलाइन दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसका भी आप लोगों को अध्ययन कर लेना है ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना होने पाए। यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां भी दी गई है, जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है प्रारंभ तिथि है 25 नवंबर 2022 और अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2022। अब हम आपको आगे बताते हैं कि किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि आपका अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है। उसके बाद देखिए टॉप में जैसे ही आप होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है भाग ले यानी कि पार्टिसिपेट करें, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप किसके रूप में लॉगिन कर सकते हैं, किसके रूप में भाग ले सकते हैं। छात्र के रूप में आप भाग ले सकते हैं स्व भागीदारी से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए, शिक्षक के लॉगिन के द्वारा छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे छात्र जिनके पास इंटरनेट ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है वे भाग ले सकते हैं शिक्षक के लॉगिन के द्वारा, साथ ही शिक्षक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया माता पिता, स्कूल जाने वाले बच्चों के माता पिता के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट दिया गया। तो इस प्रकार से आपको लॉगिन करने के 4 विकल्प दिए गए। चलिए हम बारी बारी से सब पे चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि छात्र किस प्रकार से भागीदारी कर सकते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है भाग ले छात्र के लिए, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सिंपल आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से, जिसमें लिखा होता है कॉन्टेक्टिंग माई गवर्नमेंट प्लीज वेट। उसके बाद कुछ देर के सामने बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन इस तरह से आ जाती है। अब अभी अभी आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको उसी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को फिल कर देनी है ओटीपी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं इस तरह से। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है ओटीपी के जरिए लॉगिन करिए, चाहे तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए ओटीपी के जरिए हम लॉगिन करते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का ओटीपी जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया गया है। तो आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गया है 6 अंक का, उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट करें पे क्लिक करना है। यदि किसी कारणवश आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ओटीपी को फिर से भेजे पे आप क्लिक करके फिर से ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो पुनः आपके मोबाइल पर एक नया ओटीपी फिर से भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ओटीपी फिल कर दिए, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के होम पेज पर चले जाएंगे, हम लॉगिन हो जाएंगे, हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है कि प्रोसेसिंग प्लीज वेट, तो आपको कुछ देर वेट करनी है। उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। क्योंकि अभी हमने विद्यार्थी ग्रुप में पार्टिसिपेट के लिए लॉगिन किया, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ लॉगिन के माध्यम से छात्र का पंजीकरण। यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिटेल में आपका छात्र विवरण दिखाई पड़ जाएगा। लॉगिन करते समय आपने अकाउंट क्रिएट करते समय आपने जो भी जानकारी फिल की है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है जो भरा हुआ है उसको आपको भरना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आपको लिंक चयन कर लेनी है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, यहाँ पे आपको क्लास चयन करना है किस क्लास में आप अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद नीचे में दिया गया पेरेंट्स नेम, यहाँ पे आपको पेरेंट का नेम फिल कर देनी है। साथ ही नीचे में दिया गया स्कूल डिटेल, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का विवरण भरना है, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, स्कूल का एड्रेस,
यहाँ पे फिर राज्य और जिला, साथ ही यहाँ पे विद्यालय का पिन कोड। इस तरह से पूरी जानकारी फिल करने के बाद नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है एक्टिविटी डिटेल गतिविधि विवरण। तो यहाँ पर देखिए थीम यानी कि विषय दिया गया है यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए 8 विषय दिया गया है। तो किसी एक विषय का चयन करके विद्यार्थी उस पर सार गर्भित 1500 शब्दों में अपने आलेख भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला विषय दिया गया है नो यूअर फ्रीडम फाइटर, हमारी आजादी के नायक, फिर अवर कल्चर इन अवर प्राइड, हमारी संस्कृति हमारा गर्व। अगला दिया है माई बुक माई इंप्रेशन, मेरी प्रिय किताब, सेव इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगला दिया गया माई लाइफ माई हेल्थ है यानी कि अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, माई स्टार्टअप ड्रीम मेरा स्टार्टअप का सपना, स्टेम एजुकेशन एजुकेशन विदाउट बाउंड्री यानी कि सीमाओं के बिना शिक्षा, और टॉय एंड अ गेम फॉर लर्निंग इन स्कूल यानी कि विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने और खेल। तो इस प्रकार से किसी एक विषय का आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है जिस पर आप अपना आलेख लिखना चाह रहे हैं, और यहाँ पर 1500 वर्णों के भीतर आपको उस विषय पर अपना आलेख यहाँ पे लिख लेनी है। लिखने के बाद नीचे में दिया गया क्वेश्चन टू पीएम यानी कि प्रधानमंत्री से यदि आपका सवाल है परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित कोई सवाल है तो आपको यहाँ पे जो आप पीएम से पूछना चाह रहे हैं तो आपके सवाल 500 से अधिक करेक्टर का नहीं होना चाहिए और यह अनिवार्य फील्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप परीक्षा पे चर्चा के लिए जो भी प्रश्न आपको पूछना है माननीय पीएम जी से तो यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, यदि किस त्रुटि है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, यदि आपको लगता है किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं तो सीधा आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे पूरी जानकारी भर लेते हैं, भरने के बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपकी जानकारी जो है सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी और परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में आपका पार्टिसिपेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विद्यार्थी के रूप में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगला कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास मोबाइल इंटरनेट ईमेल आईडी की सुविधा नहीं है तो वो शिक्षक के लॉगिन से किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे ही भाग ले पे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षक लॉगिन द्वारा पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे भाग ले पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप भाग ले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भरना है, यहाँ पे ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं है, मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है, लिंक चेंज कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फिर पेरेंट्स का नेम। इस प्रकार से यहाँ पर बेसिक जानकारी जो हमने आपको पहले बताया वो दी गई है। देने के बाद यहाँ पर देखिए थीम दिया गया है, तो यहाँ पर विद्यार्थी के लिए वही थीम है, किसी एक थीम का चयन कर लेनी है, फिर उस पर आप लोगों को 1500 वर्णों के भीतर विषय का वर्णन करके यहाँ पर फिल कर देनी है, टाइप कर देनी है। उसके बाद नीचे में यदि आपका परीक्षा से संबंधित पीएम जिसे कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर उसको आप फिल करने के बाद सीधा आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर हम बात करते हैं कि आप शिक्षक के रूप में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप भाग ले पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शिक्षकों के लिए, तो आपको ये भाग ले पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप भाग ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने शिक्षक विवरण आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे शिक्षक का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपको ड्रॉप डाउन से लिंक चयन कर लेना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, आपने किन विषय को सिखाया, आपको ड्रॉप डाउन से विषय का इस प्रकार से चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको स्कूल की बेसिक जानकारी फिल कर देनी है। बेसिक जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए गतिविधि विवरण में आपको विषय दिया गया, थीम दिया गया है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से कोई भी एक विषय का चयन कर लेना है। यहाँ शिक्षकों के लिए यहाँ पे 5 विषय दिया गया है, किसी एक विषय का आपको चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद 1500 वर्णों के भीतर में आपको विषय का वर्णन यहाँ पे आपको भर देनी है। भरने के बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देनी है। सबमिट करने से पहले आप चाहे तो सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं ताकि कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार करने के बाद फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाग ले पे, जैसे ही आप पुनः क्लिक करते हैं तो आप माता पिता के रूप में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए लास्ट में आपको दिया गया है कि अभिभावक के रूप में आप किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रॉल करके नीचे को आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है अभिभावक यानी कि माता पिता के रूप में आपको भाग लेनी है स्कूल जाने वाले माता पिता के लिए। यहाँ पे आप जैसे ही भाग ले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे माता पिता का विवरण यानी कि पेरेंट्स का नाम, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको लिंक चयन कर लेनी है, जो भी बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको व्यवसाय चयन कर लेना है कि आपका व्यवसाय क्या है, इस प्रकार से आपको एड्रेस, राज्य, पिन कोड वगैरह आपको भर लेना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि रिलेशन ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चों के साथ आपका क्या संबंध है, रिलेशन विद चाइल्ड। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आपको बताना है कि मदर है, फादर है, कि कोई और है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का आपको विवरण भरना है, यहाँ पे आपके बच्चे का नाम, उसका लिंक, कौन सा क्लास पढ़ रहा है, क्लास का नाम, फिर स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, फिर यहाँ पे राज्य का नाम, जिला का नाम, फिर पिन कोड भरने के बाद नीचे में आपको गतिविधि दी गई है विषय, तो इस विषय को आपको चयन करनी है। यहाँ पे 3 विषय दिए गए पालकों के लिए। पहला है माई चाइल्ड माई टीचर, मेरा बच्चा मेरा अध्यापक।
दूसरा दिया गया एडल्ट एजुकेशन मेकिंग एवरी वन लिटरेट, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा सभी को साक्षर बनाए, और अगला दिया गया लर्निंग एंड ग्रोविंग टूगेदर, यानी कि सीखना और एक साथ पढ़ना। तो तीनों में से किसी एक विषय का आपको चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद उस विषय पर आपको 1500 वर्णों के भीतर विषय का वर्णन करना करके यहाँ पे आपको फिल करनी है, भरनी है। उसके बाद सेव ड्राफ्ट कर लेना है। सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपको एक बार सरसरी तौर पर जांच कर लेनी है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, और यदि आपको लगता है कि जो भी जानकारी आपने फिल की हुई है बिल्कुल सही है तो फिर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी और आपका परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार आप आसानी से परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले आपका myjio.in पर आपको एक आईडी होनी चाहिए। तो आईडी किस प्रकार से बनानी है हमने आपको वीडियो में बता दिया है। आईडी क्रिएट करने के बाद फिर आप किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यदि आप छात्र हैं तो छात्र ग्रुप में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यदि आप छात्र हैं और यदि आपके पास इंटरनेट मोबाइल या फिर ईमेल की सुविधा नहीं है तो आप शिक्षक के लॉगिन से किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यदि आप पेरेंट्स हैं माता पिता हैं तो किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।